तो हकीकत सामने आ गई है, मैं इसका फैन था और ये देखो क्या बेच रहा है यहाँ पे। आपकी हकीकत सामने आ गई नवाब साहिल। नवाब साहिल आपको पकड़ लिया हमने, आप एक्ट्रेस होना है क्या है? आपकी हकीकत सामने आ गई है, खाने आपकी औकात। नो गाइज, आप लोग मुझसे यही पूछना चाह रहे होंगे कि बॉम्बे में मैं इतना भंगी जैसी हालत में रहता हूँ, जुब्बे में, कुर्ते में, और मैं अभी इतना अचानक से इतना स्मार्ट, हैंडसम, सेक्सी, हॉट, ब्रिलियंट और खूबसूरती के और क्या क्या वर्ड्स होते हैं, चूतिया। तो गाइज, हमारा डीजे पार्टी चालू हो गया है और हम लोग ने प्लानिंग किया था ऐसा कपड़ा पहनेंगे वैसा कपड़ा पहनेंगे, हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है ऐसा कपड़ा पहनने की। ये देखो बाबा जी बन के हम लोग जा रहे हैं हमारा डीजे पार्टी में। तो ये देखो हमारा डीजे पार्टी, वहाँ तो कुछ दिखाऊंगा, यहाँ पे गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, इनकी पैंट निकल नहीं रही है। आप लोग देख सकते हो नवाब साहिल को इतनी अच्छे तरीके से तैयार हुआ और साथ ही साथ में सोहेल मुराद भी। तुमको स्पीकर नहीं मिला, नसीब खराब है, सीधा लकी का है। बाबा गिर जाऊंगी ताली के चक्कर में, देखा तो सीधा ऊपर औकात हमें मालूम पड़ गई है। खाना खाना है क्या? कुछ नहीं है पैसा। अरे यार, ये इंसान मुंबई में आके सबको बेवकूफ बनाते हैं और यहाँ पे आके ये खाना पीना बेचता है, चाय बेचता है, कैसा यार ये शेट? भगाओ इसको यहाँ से। तुम एक्टर हो, एक्टर के मीडिया कहीं भी पहुँच सकती है नवाब साहिब। धब्बा हो धब्बा, तुम्हें ना हिमाचल प्रदेश में ना मर जाना चाहिए बेशरम। बस इतनी बेइज्जती काफी। और ये इनके बॉडी गार्ड को देखो, इनके साथ में जो लगे हुए, मैं वायरल कर रहा हूँ ये वीडियो तुम्हारा नवाब साहिल, तुम बच नहीं सकते हो मीडिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली और अभी चंडीगढ़ का टाइम आना बाकी है। और आई गाइस, एक बैड न्यूज है, सुबह सुबह सो के देखो मेरा 1,00,000 रुपए का नुकसान। सुनील कुमार मोबाइल, ये देखो 50,000 का नाखून इधर और 50,000 का नाखून इधर गया, फिर भी मेरे चेहरे पे स्माइल है, लेकिन मेरे पास अभी भी 1,50,000 रुपए है। मैं दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द रेलवे प्राइम मिनिस्टर, आप जो भी रेलवे के कर्मचारी है, प्लीज़ सारे रेलवे स्टेशन पे एक मेडिकल होना ही चाहिए, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगी कल रात को किसी चीज़ की, वो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ 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 सारे रेलवे स्टेशन पे एक मेडिकल प्लीज़ रखो। थैंक यू, धन्यवाद। और हो सके तो ये मेरा वीडियो जितने भी आगे तक आधे तक पहुँचा सकते हो रेलवे मंत्री को, वहाँ तक पहुँचा दीजिए। मैं नवाब साहिल, थैंक यू, धन्यवाद। सो गाइज, हम लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और ये हमारी गाड़ी रेडी हो गई है और ये इतना सारा सामान, ये हमारे पार्टनर्स हैं। सो अभी चंडीगढ़ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम आपको सब अपडेट करेंगे। सबसे पहले अभी स्टेशन के बाहर निकल के गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, सामान रख रहे हैं। गाइस, हमारा टूर स्टार्ट हो गया है, चंडीगढ़ से हम निकल चुके हैं कसोल के लिए, और कसोल के लिए 12 घंटे का यहाँ से रास्ता है। तो हम लोग रोते रोते, हंसते हंसते, खाते खाते, पीते पीते, हंकते हंकते जाएंगे आराम आराम से। तो गाइस, हमारा खाना हो चुका है, तो द टूर इज स्टार्ट और मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोग को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू जस्ट वॉचिंग। ये देखो दो पागल लोग। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस टूर? Yes. Yes, we are. So see you guys in Kasol. बीच बीच में स्टोरी डालते रहेंगे हैं, तो आप देखते रहिएगा। बाय बाय। ओ, जोमन का पसी चिस्सा, कौन टागेगा इसको गाइस? सो हेलो गाइस, हम लोग एक सुमसाम इलाके में, एक सुमसाम से होटल में रुके हैं खाना खाने के लिए। इस मनाली वाले रोड पे काला कुत्ता नहीं है, दूर दूर तक आप देख सकते हो सिर्फ एक ये चुड़ैल है। सो अब हम दिखाने जा रहे हैं हमारा लग्जरी होटल, जो दूर दूर तक हमें कोई होटल नहीं मिला तो हमें ये मिला है। तो अभी हम अपना भोजन करेंगे और जितना जल्दी हो सके खा के वापस से रवाना करेंगे। हु इज दिस? सो गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं एंड फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल। वाव, दिस इज अ लवली सेक्सी होटल लाइक मी। फिलहाल कोई व्यू नहीं है, रात का व्यू है, हमारा क्यूट सा कैफेटेरिया है। ये देखो खाली बर्तन सुबह भर जाएंगे और सबसे पहले मुंह मारने के लिए कौन आएगी? अम्मू। फिलहाल हम लोग पहाड़ों के अंदर आए हैं, पहाड़ों के जंगल के ऊपर टीले पे हमारा
होटल है और कैन यू गेस यहाँ का टेम्परेचर कितना है? -22। और फिर भी मुझे ठंडी नहीं लग रही, फिर भी मैं मेरे हॉट सेक्सी लेग दिखा रही हूँ, देख सकते हो आप ऐसे करके। लोग देखो यहाँ पे कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ लेकिन कैमरे के सामने नहीं कर रही हूँ। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस वक्त इस ब्रिज पे चल रहा हूँ, मेरे इस तरफ भी खाई है, मेरे इस तरफ भी खाई है और पीछे मेरी अमन ताई है। सॉरी हिल रहा है गाइस, ये ब्रिज हिल रहा है, मेरी कान पट रही है। अरे ये सो ओ मम्मी अम्मू वो नहीं आएगी, डरेगी। क्या मस्त ब्रिज, जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्राणी डर डर के आ रहा है। और ये देखो फाइनली इन्होंने ब्रिज कंप्लीट कर। ओ गॉड गाइस इज दिस वॉशरूम, ये देखो हफ्ते हफ्ते क्या मैसेजेस पढ़ने का, और ये सब क्या लोगो साइन लगा रखे है लोग ने, LSD ला दी। ओ वाव, इसको देख के क्या करने का गाइस बैठे बैठे, ये वॉशरूम में के कुछ और है। वाओ, ने अपने ब्लैंकेट में घुस गए हैं, मैं भी घुस गया, यू नो चार ब्लैंकेट के अंदर हम घुसे पड़े हैं फिलहाल। एंड आई एम सॉरी गाइज, आई अपोलॉजी, विथ -22 नहीं था, -2 था। बाद में आप बोलोगे कुछ ज़्यादा ही बोलता है, उसके फ़ोन को कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी इसके लिए। तो सब लोग अपने बिस्तर में घुस गए हैं और मैं अभी तक जाग रही हूँ। ओके तो मैं भी सो जाऊंगी, तो कल आपको हम अच्छे से पूरा मनाली टूर कराएंगे। और टूर कराने के लिए आप मुझे पेटीएम करते रहना, मैं आपको टूर कराते रहूंगा। मॉर्निंग एवरीवन, ये हमारी फर्स्ट डे है कसोल में। गुड मॉर्निंग, ये हमारे टेंट्स हैं जहाँ पे हम रुके हैं। और ये देखिए नदी, पहाड़, दिस इज अमेजिंग। और गाइस हम लोग जहाँ रुके हैं ये हमारे छोटे छोटे टेंट्स हैं, ये हमारा टेंट है, ये देखिए ये कसोल में हम लोग पहाड़ों के बीच में रुके। दिस प्लेस इज अमेजिंग गाइज, ये देखो अब बर्फ देखना है ना हम लोग को, देख कहाँ जाएंगे हम लोग, वहाँ वो वाले जो पहाड़ है ना पूरा बर्फ का पहाड़ है, वहाँ जाने वाले हैं। लेकिन अभी नहीं गाइज, एकदम मस्त ठंडी है, ऊपर से मस्त धूप निकल रही है ना, हम लोग तो धूप सेकने बैठे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वापस से हम सुबह सुबह ब्रिज चढ़ रहे हैं, ये देखो फुल ऑन, ये ब्रिज पार करके जाना है हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए आइस वाली पहाड़ों पे। तो गाइज रात में हमारी यहाँ पूल पार्टी होने वाली है, ये देखो यहाँ पे आज रात को मेरा इवेंट है, वो स्पेशल इवेंट है मेरा, यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है इन पहाड़ों के बीच में, ये देखो। और गाइज गौर से देखना, नहीं तो सूरज इसके लिए नहीं दिखेगा, देखो मैंने चलो हाथ रखा, वो दिख रहा है एकदम पीछे वाला पहाड़ फुल बर्फ से ढका हुआ है। हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, ही इज माई हस्बैंड, शी इज माई सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम बॉस रिहाना, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरा दिल बहुत आपके बर्थडे में आने का, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्या क्या परफॉर्मेंस सोच के रखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मनाली आना पड़ा, मैं मेरे दोस्तों के साथ मनाली आ गया हूँ। तो आई एम रियली सॉरी, अचानक में भयानक में प्लान बना, बट इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम कुछ भी प्रोग्राम रहेगा ना प्लीज़ मुझे बुलाना, बिकॉज मेरे को रियली में आपके प्रोग्राम में आने का। आई एम रियली सॉरी एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, लव यू दीदी। जैसे कि आप देख सकते हो नवाब साहिल का सामान आ गया है, वो भी इस ट्रॉली के अंदर। ये है सामान, हमार समनवा आई गवार। और ये हमारा है टंटवा हाउस, ये है दो लौंडे लोग, ये लौंडे लोग हमारे पर कब से लाइन मार रहे हैं, बट हम इनका लाइन नहीं दे रहे हैं। तो हमार समनवा आई गवा, ए गिव माय क्लच प्लीज, माय मेकअप बॉक्स, एक्सक्यूज मी हैंडसम भैया, ए भैया एक्सक्यूज मी लुक एट मी, ही इज इग्नोरिंग मी, how dare he ignore Hello, assalamu alaikum guys, अभी हम कसोल की टूर पे निकले हैं और अभी हम यहाँ के जितने भी साइट सीन है वो देखने के लिए जा रहे हैं। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ के फिलहाल माउंटेन्स, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के पत्थर, पहाड़, गाड़ियाँ,
और अभी जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए क्या 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 है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग नवाब स्टोरी। हम आ चुके हैं अभी, कोई तो नदी है, कौन सा बीच है? कावड़ा बीच, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज आ चुके हैं और ये कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है। वाह, और ये गार्डन है, इस गार्डन में हम घूमने आए हैं और थोड़े से क्रूजिंग करने आए हैं हम लोग। तो हम कर रहे हैं कुछ स्ट्रीट शॉपिंग, ग्लव्स, बैग्स, लेट्स सी हमें हमारा स्पॉन्सर शॉपिंग करा रहा है, सबको छूट दिया शॉपिंग करने की। सो गाइस, डीजे की तैयारी होने जा रही है, बॉन फायर अभी होने वाला है, आग लगाएंगे, दारू पियेंगे, हुक्का पियेंगे एंड डिनर करेंगे। सो गाइस, ऑल सेट फॉर द पार्टी। गाइस, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस जगह में आया हो कसोल जगह, गाइस प्लीज यहाँ मत आइएगा। सीरियसली गांड फाड़ू ठंडी है, मेरी फटके हाथ में हो गई है, मैं इतने कपड़े पहना हूँ, इतने कपड़े पहना तो भी मैं घर के अंदर ही बैठा हूँ, मेरी मत नहीं है, प्लीज मत आइएगा यहाँ पर। तो गाइस, हमारा डीजे पार्टी चालू हो गया है और हम लोग ने प्लानिंग किया था ऐसा कपड़ा पहनेंगे वैसा कपड़ा पहनेंगे, हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है ऐसा कपड़ा पहनने की। ये देखो, बाबाजी बन के हम लोग जा रहे हैं हमारा डीजे पार्टी में। तो ये देखो, हमारा डीजे पार्टी वहाँ चालू हो गया है, अभी हम जा रहे हैं। सो लेट्स गो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्टी चालू हो गया है और ये पंखा नाचना चालू कर दिया है डीजे पार्टी में, ये देखिएगा। और यहाँ पे बॉन फायर चालू हो गया है, यहाँ पे आग चालू है, अभी हम जाके आग सेकेंगे। वाओ, और डिनर अभी चालू होने वाला है। गाइस, पार्टी चालू हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं सब नाचना चालू कर दिए, अभी हम भी डांस करेंगे थोड़े टाइम के बाद। तो मुराद भाई भी आ गए हैं फाइनली कमरे से निकल के आग की हवा खाने के लिए, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। सी गाइस, देखो आप खाओ, क्या क्या सोचा था, ये कपड़े पहनूंगा, वो कपड़े पहनूंगा, डीजे नाइट में देखो चाचा बन के बैठा होते कपड़े पहन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे सारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, उनके फैमिली को हैप्पी मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति है और आज पतंग उड़ाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं। तो लेट्स सी आज हम क्या खाने वाले हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आज हमारा सेकंड डे है और अभी हम यहाँ से कौशल से निकल के हम जा रहे हैं कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली में कहाँ कहाँ जाएंगे हम आपको सब अपडेट करेंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे, तो आप देखते रहिए। और गाइस, आज मैंने फुल एंड फुल ग्रे ड्रेसिंग मारा है, तो मैं कैसा लग रहा हूँ प्लीज़ मुझे बताओ। और मैं अपने आप को देख के गाना याद आ रहा है, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ आगे का, प्लीज़ मत बोलना। सो गाइस, सेकंड डे की शुरुआत हो रही है हमारी ब्रेकफास्ट से और ब्रेकफास्ट बहुत ही अमेजिंग है। मैं हम आपको दिखाते क्या क्या है, ये देखिए, छोले कुलचे, नूडल्स, सैंडविच, चाय और ये है पंखा, ये देखो मेरे से ज़्यादा भर के ये खा रहा है। मैं डाइटिंग पे हूँ तो मैं इन्ना सा खाऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक गुड, यू नो, मेरी कश्मीरी वाली स्किन। गाइस, सब लोग, ये हमारे कैंप का नज़ारा है मॉर्निंग का, सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं एंड एवरीवन इज़ No, everybody knows who is he. He is my loving husband. He is my sweetheart. He is my baby. बहुत परेशानी अंकल है। No, he is so. No, guys, आप लोग मुझसे यही पूछना चाह रहे होंगे कि बॉम्बे में मैं इतना भंगी जैसी हालत में रहता हूँ, झुब्बे में, कुर्ते में, और मैं अभी इतना अचानक से इतना स्मार्ट, हैंडसम, सेक्सी, हॉट, ब्रिलियंट और खूबसूरती के और क्या क्या वर्ड्स होते हैं, चूतिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारा की सारा बेगम जान का लगेज है, ये जहाँ भी जाती है इतना सारा पसारा लेके जाती है, एक में जूते, एक में मेकअप, एक में पंचायत। जैसे कि आप देख सकते हैं, बेगम जान का लगेज बीच रास्ते में अटक चुका है, क्यों? क्योंकि जनरेटर का पेट्रोल, सॉरी, डीजल खत्म हो गया है और मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, मेरा खास सामान इधर है, ये देखो झील के बीचों बीच। वो इस वक्त मैं जो जगह पे हूँ इसका नाम है मणिकरण, यहाँ पे बहुत ही एक फेमस राम मंदिर है, जो कि जस्ट वो पानी है एकदम झील के
अंदर मतलब काफ़ी 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, हम लोग तो नहीं जा पाए। राम जी का एक मंदिर है और उसके बाजू में एक कुंड है, पानी का कुंड है जिसमें नेचुरली गर्म पानी आता है, एकदम गर्म। और लोग वहाँ पे ना चावल की और दाल की पोटली लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं, 5 मिनट के अंदर मतलब वो बाहर आता है, तो उनकी मतलब वो वहाँ पे कुछ मानता है। हम लोग सोचे हम लोग जाने का, लेकिन नहीं जा पाए, हम लोग को उतना नहीं टाइम मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। सो गाइस, और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो मैं आपको ज़रूर बताते रहूँगा। सो वी आर लीव, यही है वो राम मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है वो मंदिर, आप यहाँ पे नमस्ते कर सकते हो। और ये है वो कुंड जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, ये कुंड में से देखो इतना धुआं निकल रहा है, वो गर्म पानी का है। तो ये है यहाँ का मणिकर्णिका का राम मंदिर। सो जय श्री राम, बाय बाय एवरीबॉडी। तो गाइस, फिलहाल हम आए हैं रिवर राफ्टिंग करने के लिए। ये देखो अभी हम लोग ये करेंगे, फाइनली वी रीच कुल्लू। सो दिस इज कुल्लू मनाली, वाओ यो। सो गाइस देखिए, हम आ चुके कुल्लू, कुल्लू जा करूंगी मैं गुल्लू गुल्लू, ये पानी के अंदर रिवर राफ्टिंग के लिए, वाओ दिस इज ऑसम गाइस। मेरे साथ वाले मेरी गाड़ी में आ रहे हैं और मैं फिलहाल इस बाइक पे राइड करने वाला हूँ मनाली में। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, बाइक राइड पे, ये भैया मुझे बाइक पे घुमाएंगे। गाइस सो मैं रेडी हो गया हूँ रिवर राफ्टिंग के लिए, मैंने पहन लिया लाइफ जैकेट और हेलमेट और मैं जाने वाला हूँ पानी में। और बाकी की ऑडियंस अभी पहन रहे हैं, इनको देखो सब रेडी हो रहे हो। वाओ गाइस, बहुत मजा आने वाला है, पानी में जाने वाले हैं, मैं सब लात मार के सबको पानी के अंदर फेंकने वाला हूँ। सो गाइस, ये हमारी बोट रेडी हो चुकी है, ये हमार बुटवा है और इनको तो फ्रेम में आना ही आना, शाहरुख खान को। ये देखो अभी हम पनिया में जाएंगे, वो तो ये बच्चे लोग हमारे बैठ चुके हैं, ये जा रहे हैं बैठने के लिए, शाने लोग, ये माय बेबी माय लवला, बैठो बैठो जल्दी बैठो। वो ठंड के मारे सब कुकड़ रहे हैं वहाँ पे, देखिए हमारा रिवर राफ्टिंग हो गया है, वीडियो बहुत जल्दी हम डालेंगे। बोट देखो जा रही है अभी, अभी नहीं लग रही। फक गाइस, पानी इतना ठंडा है पानी ना यहाँ का, मैं बता नहीं सकता, आइस से भी ज्यादा ठंडा पानी है, हम लोग पूरे भीग गए। देखो पागल लोगों की अभी बोट आ गई है और ये घर पे जा रहे हैं। अभी खूबसूरत सी चीज दिखाने वाला हूँ, आप इस मिरर में देखिएगा, द पर्सन हु इज ड्राइविंग इज डैम हॉट, दिस इज द वन। फॉग 990 से हेलो, हाय गाइस, फर्स्ट टाइम मैंने खुले में कपड़े चेंज किए यहाँ पे, ना ट्रायल रूम है ना कुछ है, बिंदास रोड पे ही मैंने मेरे पूरे कपड़े उतार दिए, इतनी ठंडी लग रही थी, मैंने मेरे सारे कपड़े उतार के मैंने मेरा जब्बा पहन लिया, ऊपर से ओवरकोट पहन लिया, अब जिसको जो बोलना है बोले, आई डोंट केयर। रोड पे ऐसे ऐसे देखो, ऐसे कपड़े चेंज हो रहे हैं रोडों पे, यहाँ पे कुछ नहीं है ट्रायल करने के लिए, देखो लोग हमसे छुपा रहे हैं, ये देखो ये कितना भी छुपाना चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम फिर भी नहीं कहते। तो कुछ दिखाऊंगा, यहाँ पे गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, इनकी पैंट निकल नहीं रही है। जहाँ भी नवाब साहिल जाते हैं 11.11 उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, ये देख लिए मनाली में भी साहिल को क्या मिला है, 11.11। वाओ, एंड यू गो गाइस, दिस इज माय लकी नंबर, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आता है। Hey guys, आधा आसमान चढ़ के हम ऊपर आए हैं, आधा आसमान, कैन यू सी, ये देखो पूरी पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। और अभी हम करने जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग, ये देखो पब्लिक जा रही है और हम तीनों करने जा रहे हैं, अब हम आसमान की सैर करने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून एंड सी, जस्ट सी द व्यू, हिमालय घर। तो रिवर राफ्टिंग के बाद अभी हमारा पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होने वाला है, देखिए इस तरह के से अभी हम खुद भी फ्लाई करेंगे। और ये गए ये लोग, सर रेडी हो गए जाने के लिए, देखो फुल एकदम कैमरे स्पीकर के साथ में जाओगे और फुल एकदम मजे करने वाले हैं। ही इज द लकी गाय मैन, ही इज द लकी गाय। Let me go.
आप लोग देख सकते हो नवाब साहिल को इतनी अच्छे तरीके से तैयार हुआ, और साथ ही साथ में सोहेल मुराद भी। तुमको तुमको स्पीकर नहीं मिला, नसीब खराब है, ही इज अ लकी गाय। माउंटेन कितने खूबसूरत माउंटेन है यार यहाँ के। ये देखिए सोहेल मुराद जी आ चुके हैं, ये देखिए सोहेल भाई आ गए, और इनका बलून भी गिर चुका है। हमारा पैराग्लाइडिंग अभी खत्म हो गया है और अभी हम हमारी के टेम्पो के अंदर वापस जा रहे हैं अपने घर पे, जहाँ पे हमारे लोग वेट कर रहे हैं। ये देखो हमारे को टेम्पो लेके जा रहा है। वाह, और गाइस एक्सपीरियंस हमारा बहुत औसम था। तो पैराग्लाइडिंग हो चुका है, वीडियो स्टार्ट है, करो। सबके एल लगने वाले हैं। अभी ब्लॉग बना। ये मीरा मीरा रोड की माल आया हमारा कुल्लू मनाली का जो आज का राइड का टूर था वो खत्म हो गया है, एंड फाइनली हम लोग मनाली में एंटर कर लिए हैं। और ये हमारा होटल है, हिमालय हाइट्स। द होटल इज अमेजिंग गाइस, आप देख सकते हो, दिस इज ऑसम। हमारा लगेज आ गया है, अभी होटल में हम एंट्री करने वाले हैं, और हमारे सामने वाला भी होटल एकदम सुपर सेक्सी होटल है। सो गाइज वी आर गोइंग इन होटल, अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर आपको और भी बातें करेंगे। घुसते ही हमें सबसे पहले गणपति पप्पा के दर्शन हुए, गणपति पप्पा मोरिया, क्रिसमस ट्री, एंड दिस इज द लॉबी, एंड हियर द पीपल चेक इन टाइम। ये गाइज दूसरा रूम है ये लोगों का, ये है बाथरूम, और ये यूसुफ मियां का रूम है। ओ माई गॉड गुडनेस गाइस, जस्ट लुक एट द बेड। ये बेड तो मुझे मिलना चाहिए था वैसे, चलो कोई बात नहीं, खैर तुम्हारा भी ठीक है। ओ व्हाट द फक, दिस इज द सेक्सी व्यू गाइस, पूरा मनाली हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको ये सब दिन में दिखेगा। वाओ, सो दिस इज ऑसम। Even these guys are lucky, they got such a lovely bedroom. Guys, 3 days के बाद मैं सुकून से नहाया हूँ आज, because वहाँ पे एकदम पानी गर्म ही नहीं था, अभी यहाँ पे अच्छे से गर्म पानी मिला है, और मजा आया है नहाने में। ये देखो प्यारी सी लड़की। So guys, finally we are going for dinner. Place is awesome. It look good. Cool. So dinner is ready. So let's go, guys. So this is the menu: papad, soup, rice, matar paneer, paneer tikka, noodles, kadi pakoda. मेरी favorite है. और मीठे में है शाही टुकड़ा. नवाब साहिल का एक फ्रेंड है और बेगम जान का एक बहुत बड़ा फैन है, उन्होंने स्पेशली उनके लिए एक वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच अहान, कानपुर से हैं, मैं वो वीडियो अभी पोस्ट करने वाला हूं, तो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन उसने मेरी वीडियो बनाई है।